नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। इसलिए आओ मिलकर मुक्त बनाने का संकल्प लें। क्या मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। अब मैं मनोज सिन्हा जी के हाथों से हो रहा है, इसमें आज सबसे पहले मैं अपने हृदय से स्वागत करती हूँ श्री मनोज सिन्हा जी का, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जेएन के, जो इसको आगे ले जाने का इरादा है वो हमेशा झलकता रहता है। मैं स्वागत करती हूँ सेक्रेटरी जेएन के, जो हमारे टीम लीडर हैं और हमें इन सब करते रहते हैं और हमें अपनी कैपेसिटी से आगे बढ़ के काम करने को प्रोत्साहित करते हैं। डाबरा सर का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जल शक्ति डिपार्टमेंट, जो इनपुट्स होते हैं उनके नॉलेज के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और पर्टिकुलरली आई आल्सो वेलकम डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार। स्वागत है हमारे सभी बच्चों का, जो हमारी टारगेट ऑडियंस भी हैं और जो शायद हमारे टॉर्च बेयरर्स भी हैं, क्योंकि उन्होंने और इसको आगे बढ़ाना है। सर, जहाँ एक और मुझे खुशी है कि हम आज ये अभियान लॉन्च करके आहट है कि नशा अपने पैर बहुत अंदर तक फैलाता जा रहा है और फैला चुका है। इस तरह का एक अभियान शुरू किया है जम्मू कश्मीर सरकार ने। देखिए, समाज कल्याण विभाग, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट पहले से इस अभियान नशा मुक्ति के लिए काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी कुछ ड्रग डी एडिक्शन के अच्छे सेंटर चलाती है, लेकिन जो जिस तरह का व्याप बढ़ा है, एक बैठक में हम सब ने तय किया है कि प्रशासन के साथ साथ चुने हुए जनप्रतिनिधि, समाज के प्रबुद्ध लोग और आप जैसे पत्रकार, सब लोग मिलकर के अभियान चलाएंगे, तभी समस्या से जम्मू कश्मीर को निजात दिलाई जा सकती है। स्वतंत्रता दिवस के दिन मैंने एक बात कही थी कि भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर हमें बनाना है। ये चार संकल्प हैं और उसमें से एक प्रमुख संकल्प है, उसका अभियान आज शुरू कर रहे हैं। आप सबसे भी मैं निवेदन करूंगा कि इस अभियान में आप सहयोग करिए, इस अभियान को सफल बनाना बड़ा आवश्यक है। जरूरी था कुछ पास ड्रोन के जरिए भी ड्रग्स फेंकी जा रही है, पाकिस्तान की तरफ से काफी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे युवाओं, खासकर युवा जो है सर हमारे, उनको टारगेट नहीं। ये सही है, जो स्टेप उठाए जाएंगे उसमें एक ये प्रमुख स्टेप होगा। आप देख रहे हैं कि सीजर बहुत हुए हैं पहले की तुलना में, और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की हरकतें लोग न कर पाएं। हमारे सुरक्षा बल इसमें पूरी तरह से मुस्तैद हैं और ड्रग की खेप न आवे, इसका एक प्रभावी इंतजाम किया जाएगा। जो बच्चे शिकार हुए हैं उनको रिहेबिलिटेट करना, उनको ट्रीट करना, ये भी हमारा दायित्व। थैंक यू।